मित्रों, कांग्रेस पार्टी कहती है राष्ट्रीय मुद्दों से झारखंड का कोई लेन देन नहीं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा अगर कहीं से जवान जाते हैं तो मेरे इस झारखंड से जाते हैं जो देश की सुरक्षा करते हैं। हुजूर के लिए चलेगा, लाख साहब व्यवस्था नहीं चलेगा। आपकी सरकार आएगी और ये चार पंचायत वीडियो बैठते हैं वो बहुत दूर वीडियो गांव का ग्राम सभा में बैठेगा और ग्राम सभा का निर्णय जो सरकार का निर्णय होगा ये तैयारी कर। कभी बैठा है भैया गांव में आकर वीडियो? कभी आए हैं सीओ आए हैं? कभी आके आप मीटिंग कर रहे हो बैठ के दो क्या प्रस्ताव मांगे हैं? कभी इन लोग का नियुक्ति और पैसा क्यों मिलता है? गरीब गांव का सेवा करने के लिए मिलता है, लेकिन इन लोग अपना दीवार बंद करके रहता है, ये कभी बाहर नहीं निकलता और गरीब उसका दरवाजा से जी हुजूर करके वापस आता है। अब हुजूर ने मालिक आप और सरकार आप, इसलिए मैंने कहा ये सरकार रांची का सचिवालय मेरे अभी तक सरकार किसका बनता था? मोदी जी का सरकार, गांधी जी का सरकार, कांग्रेस पार्टी का सरकार, भाजपा का सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार, अब ये किसी पार्टी का सरकार नहीं होगा। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार चलती थी, मनमोहन सिंह सोनिया की सरकार चलती, पाकिस्तान से रोज आलिया मालिया जमालिया घुसकर आते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते। और ये मौनी बाबा मनमोहन सिंह एक शब्द नहीं बोलते थे, एक शब्द। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, पुलवामा में हमला किया, उरी में हमला किया, मगर इस बार नरेंद्र मोदी सरकार थी मित्रों, पुलवामा और उरी के बाद मोदी जी ने सेना के जवानों को हुक्म दिया, सेना के जवान पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों से बदला लेकर भारत माता की जय कर करवा। रामलाल बाबू को वोट देंगे तो लाल कार्ड मिलेगा, पेंशन मिलेगा, राशन मिलेगा, इसलिए गरीब 7 बजे जाके लाइन लगाता है। ये गरीब लगाता है, हर बार सपना देखता है और वोट के बाद सपना मर जाता है, फिर अगला 5 साल इंतजार करते हैं कि कोई आएगा और पेंशन राशन मेरा कराएगा। पेंशन सबको मिलता है दादा? राशन सबको मिलता है दीदी? मुझे बताओ भाइयों बहनों, आप चाहते हो कि नहीं कि अयोध्या में राम जन्म स्थान पर मंदिर बने? माताएं बहनें बताएं, मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये केस जल्दी चलाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल सर्वोच्च अदालत में जाकर कहते हैं कि राम जन्मभूमि का केस चलाने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी मत करो। मित्रों, ये झारखंड की जनता ने 14 में से 12 सीटें मोदी जी को दी, हमने आग्रह किया कि केस जल्दी चलना चाहिए। ये पहली बार थाना जाइएगा, गरीब को ऐसे ही थाना जाने का साहस नहीं करता। समय हो गया, समय हो गया है। बार ऐसा होगा कि थाना जाएंगे, मगरा मुंडा मेरा गांव से जाएंगे थाना अकेले। जो चौकीदार पहले गाली देता था वो पानी देगा, ये तैयारी कर देंगे। पहले पानी पिलाएगा, चेयर में बैठाएगा, फिर बात करेगा। ऐसा शासन चाहिए, चाहिए कि नहीं? मुझे बताइए भैया, इस देश में से घुसपैठिए जाने जाइए, जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? माताएं बहनें बताए, झारखंड के अंदर से घुसपैठिए जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी कहती है एनआरसी मत लाओ, घुसपैठिए को मत निकालो। अरे राहुल बाबा, आपको जो बोलना है बोलो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, 2024 में जब आपके वोट लेने आएंगे उसके पहले पूरे देश के अंदर एनआरसी लगाकर घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी वाला भाई लोग चिंतित था। स्कूल, गरीब स्कूल में भोजन मिलता है, मदरसा में नहीं मिलता है। आप निश्चित रहो,
कि आपका भाई आने के बाद, रामलाल आने के बाद मदरसों में भी दोपहर का भोजन मिलेगा, ये तैयारी हम करने जा रहे हैं। ये तैयारी मित्रों, ये कहते हैं कि झारखंड का 370 से क्या लेन देन, मुझे बताओ भाई, झारखंड वाले चाहते या नहीं चाहते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा रहे, चाहते हो या नहीं चाहते हो, चाहते हो या नहीं चाहते हो कि आतंकवाद समाप्त हो जाए। मित्रों, 70 साल से अपनी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए एक कांग्रेस पार्टी धारा 370 और 35 को हटाने की, बेटी और बेटा को पढ़ाने के लिए ग्रेजुएशन तक फ्री और ग्रेजुएशन की तैयारी करेगा तो आपके घर में चाहे 3 बच्चा 4 बच्चा जो भी है 2100 रुपया करके आपके घर में हर महीना आएगा। ये तैयारी हमने किया है, 2100 रुपया एक बच्चा पर मिलेगा। ये तैयारी पढ़ो, खूब पढ़ो।